नमस्कार, बोलता है हिमाचल, देख रहे आप और मैं हूँ राम भारद्वाज। आज है 19 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटे, क्या बड़ी खबर है, उसकी पूरी जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस कांस्टेबल भर्ती से मेडिकल के आधार पर बाहर किए गए अभ्यर्थियों का फिर होगा मेडिकल, हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने मेडिकल आधार पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से बाहर किए दर्जनों अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने IGMC के MS को आदेश दिए कि वे संबंधित विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठित करे। मेडिकल बोर्ड में उन विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों को रखने के आदेश दिए गए हैं जिनके आधार पर प्रार्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट सेल्ड कवर में जल्द कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए है। उल्लेखनीय है कि कांगड़ा जिले में पुलिस भर्ती के दौरान मेडिकल आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को बाहर करने पर उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रार्थियों को अंतरिम राहत देते हुए हाईकोर्ट ने कुछ मामलों में अभ्यर्थियों को नेत्र विभाग के डॉक्टरों की राय पर बाहर कर दिया गया, जबकि जिस मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था उसमें हड्डी या सामान्य शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ डॉक्टर थे। इस मेडिकल बोर्ड में संबंधित विषय के विशेषज्ञ न होने के कारण इस बोर्ड को विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड नहीं कहा जा सकता। इन परिस्थितियों को देखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने IGMC के मेडिकल अधीक्षक को संबंधित विषयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर याचिकाकर्ताओं का पुनः मेडिकल करने के आदेश जारी किए हैं। चंडीगढ़ अश्लील वीडियो मामला, शिमला से दो युवक किए गिरफ्तार, पंजाब पुलिस के हवाले। पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रा के अश्लील वीडियो वायरल मामले में शिमला पुलिस ने रोहडू से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे युवक को ढली से हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने दोनों युवकों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। रोहडू के कंगशेरी से गिरफ्तार 23 वर्षीय युवक को युवती ने वीडियो शेयर किया है। वहीं जिस युवक की फोटो युवती ने फोन पर दिखाई थी वे 31 वर्षीय युवक के संधु क्षेत्र का रहने वाला है। इसे पूछताछ के आधार पर हिरासत में लिया गया है। वीडियो वायरल करने वाली युवती भी रोहडू की रहने वाली बताई जा रही है। वे उक्त दोनों युवकों के संपर्क में काफी समय से थी। पंजाब पुलिस युवकों को अपने साथ चंडीगढ़ लेकर रवाना हो गई है। बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस ने ही हिमाचल पुलिस को मामले की सूचना दी और सहयोग मांगा था। पंजाब पुलिस ही अब इनसे पूछताछ के बाद सारे तथ्य सामने लाएगी। रोहडू से गिरफ्तार युवक एक बेकरी में काम करता है, जबकि ढली से हिरासत में लिया गया युवक एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हिमाचल आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रवास पर आ सकते हैं। इस दौरान वे प्रदेश के चारों सांसदीय क्षेत्रों शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे तथा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अपने प्रवास के दौरान नड्डा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने भी तैयारियां शुरू कर दी है तथा केंद्रीय नेता हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष व अन्य केंद्रीय मंत्रियों का हिमाचल आने का कार्यक्रम है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस दौरान भी आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों को लेकर भी मंथन करेंगे, साथ ही चुनावों को लेकर भी सरकार और संगठन से फीडबैक लेंगे तथा चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों को वो हाल में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने सहित अन्य योजनाओं को बनाने के भी निर्देश दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले, बजट से पहले लागू होगी राष्ट्रीय पर्यटन नीति। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रविवार को शुरू हुए सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बजट सत्र से पहले देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन नीति लागू होगी। इस नीति के तहत विकास भी और विरासत भी की तर्ज पर देश में पर्यटन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस बार G20 शिखर सम्मेलन से दुनिया भारत के पर्यटन क्षमताओं को जानेगी। दुनिया के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्षों के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। खास बात यह कि इस सम्मेलन की बैठक देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में होगी।
इससे दुनिया भारत की पर्यटन क्षमताओं से रूबरू होगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की अवधि को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। डाउनटेल में पुलिस की रेड, 24.16 ग्राम चिट्टे के साथ महिला और युवक गिरफ्तार। शिमला के डाउनटेल में पुलिस ने एक घर में छापामारी कर महिला और एक युवक को 24.16 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस समय समय पर यहां निरीक्षण करती रही है क्योंकि डाउनटेल में पुलिस ने पहले भी कई तस्करों को पकड़ा है। इसी कड़ी में पुलिस ने उक्त घर में दबिश दी तो वहां मौजूद में 40 वर्षीय महिला और 19 वर्षीय युवक के कब्जे से चिट्टे की खेप बरामद हुई है। पुलिस की दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये चिट्टा कहां से लाए थे इसकी जांच सदर थाने की पुलिस कर रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की 60 छात्राओं को नहाते हुए वीडियो वायरल, 8 ने किया आत्महत्या का प्रयास। पंजाब की मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के करीब 60 छात्राओं का नहाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कैंपस की एक छात्रा ने बनाया था। उक्त छात्रा ने इस वीडियो को अपने पुरुष दोस्त को भेजा जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रह रहा है। उसने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये मामला काफी गर्मा गया। जैसे ही वीडियो वायरल होने की वनक लड़कियों को लगी तो उसमें से 8 छात्रों ने आत्महत्या का प्रयास किया। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवाया गया और हिमाचल पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। सीएम मान बोले दोस्तों को नहीं बख्शेंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गंडुआ में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां हमारी शान, मर्यादा और गौरव है। ऐसी कोई भी घटना निंदनीय है। भगवंत मान ने कहा कि वे घटना के बारे में जानकर दुखी और उन्होंने जिला प्रशासन से घटना की गहन जांच करने को कहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस जघन्य अपराध में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। HPIRDC बनाएगा शिमला शहर के 3 फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में यातायात जाम खत्म करने के लिए प्रस्तावित 3 फ्लाईओवर अब HP रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HPIRDC बनाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनने वाले इन फ्लाईओवर के निर्माण का जिम्मा अभी लोक निर्माण विभाग को सौंपा था, लेकिन महीनों बाद भी इनका काम शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में सरकार ने शहर के अहम प्रोजेक्टों में हो रही देरी को देखते हुए अब विभाग से इनका काम वापस ले लिया है। सरकार के निर्देश पर स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने इनका जिम्मा HPIRDC को दे दिया है। ऊना में लगेगा हिमाचल का पहला ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र, प्रस्ताव मंजूर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में प्रदेश का पहला ड्रैगन फ्रूट प्रसंस्करण संयंत्र लगने जा रहा है। इससे जिला ऊना में ड्रैगन फ्रूट की खेती से जुड़े किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला ऊना के बेहड़ा जसवा पंचायत के तहत आते गाँव भेड़ बिट्टल में प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना को बागवानी विभाग ने मंजूरी दे दी है। विभाग ने इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। 27 दिन के बाद हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाले चक्की पुल पर दौड़े बड़े वाहन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल नूरपुर के तहत हिमाचल के प्रवेश द्वार कंडवाल में चक्की पुल को 27 दिन बाद रविवार से बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इसमें बसों सहित अन्य बड़े वाहन पुल से आवाजाही कर सकेंगे। इससे रोजाना हिमाचल प्रदेश से पंजाब आने जाने वाले लोगों को राहत मिली है। पिछले दिनों भारी बारिश के चलते पुल के पिलरों को खतरा पैदा हो गया था। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर यातायात के लिए पुल बंद कर दिया गया था। सेना और NH विभाग की कड़ी मेहनत के बाद अब छोटे बड़े सभी वाहनों के लिए पुल को खोल दिया गया है। शिवालिक पहाड़ियों की बंजर भूमि पर आएगी बागवानी की बहार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की शिवालिक पहाड़ियों की बंजर भूमि को बगीचों से हरा भरा बनाने के लिए शुरू की गई HP सिब्बा परियोजना से क्षेत्र को फ्रूट हब के रूप में विकसित करने के साथ पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करने में मदद मिलेगी। ये बात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत क्षेत्र की 17 पंचायतों की 233 हेक्टेयर भूमि को लगभग 500 करोड़ खर्च कर उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पहले चरण में 9 हेक्टेयर भूमि पर फ्रंटलाइन प्रायोगिक तौर पर अमरूद, अनार, माल्टा आदि प्रजातियों के 11,913 पौधे की 81 किसानों की भूमि में रोपे गए हैं। सरकाघाट में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले वीरभद्र सिंह मॉडल में 10 लाख युवा बेरोजगार, 17,000 करोड़ का कर्जा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले 20 से 25 साल में कांग्रेस का तंबू नहीं लगने वाला है, इसलिए हमारे तंबू में ही आ जाओ। उन्होंने कहा कि जो कभी दुकान नहीं गया हो उसे आटा दाल के भाव का क्या पता होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते उन्होंने कहा कि दिल्ली में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था जिसमें देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आटे को लेटर में तोल गए। एक तरफ कांग्रेस बाहर छोड़ो यात्रा पर निकली है, वहीं कांग्रेस में पार्टी छोड़ो अभियान तेजी से चला है। राष्ट्रीय स्तर पर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से आजाद हो गया। हिमाचल में भी कांग्रेस इसी राह पर अग्रसर है। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं, मोदी और जयराम ने किए सराहनीय प्रयास, बबीता फोगाट। ओलंपियन एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बबीता फोगाट ने शिमला में कांग्रेस पर जुआनी हमले बोले तो वही प्रदेश व केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान के लिए मोदी और जयराम सरकार ने सराहनीय प्रयास किया है। रविवार को शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पहलवान बबीता फोगाट ने कहा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए महिला पहलवान ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेता महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के हाली बयान से सिद्ध हो जाता है। दर्दनाक हादसा, सतलुज नदी में गिरा कंपनी का लोडर, एक ही मौके पर मौत। जिला किन्नौर के सोंगटोंग पूर्वली संपर्क मार्ग पर शनिवार देर शाम एक लोडर के सड़क मार्ग से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि चालक व एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान योगेश निवासी तांगलिंग जिला किन्नौर के रूप में हुई, जबकि घायलों में नवीन चालक निवासी योपी और बलदेव निवासी जिला कुल्लू शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहे सेना के जवान। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल, थल और नभ में देश मजबूत होकर उभरा है और 38,500 करोड़ रुपए की सेना के साजो सामान का निर्यात भी किया गया है। इसके अलावा मानव रहित जहाज भी बना दिया है। हमारी ब्रह्मोस को दुनिया मांग रही है, आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। एक संस्था के सर्वे में पहली बार आर्मी का साजो सामान निर्यात करने के टॉप 25 देशों की लिस्ट में भारत का नाम आया है। नवीनतम हथियारों की इस प्रदर्शनी के दौरान द डिवीजन के जेसीओ डलोजी मिलिट्री स्टेशन के कमांडर और जवान एसडीएम डलोजी जगन ठाकुर, डीएसपी डलोजी संजीव भाटिया आदि उपस्थित रहे। तो ये थी प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर आप हमारे पेज ईएन हिंदी को लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।